हेलो व्यूअर्स, पिछले क्लास में मैंने पोलारिटी सिस्टम के बारे में बताया था। आज जो सब्जेक्ट है वो है रेजिस्टेंस होल्डिंग। रेजिस्टेंस होल्डिंग कहाँ इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, उसका फंक्शन क्या है, प्रिंसिपल क्या है, उसके बारे में बताऊंगा। तो आज का जो सब्जेक्ट क्या है, रेजिस्टेंस होल्डिंग प्रोसेस। ये होल्डिंग प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, होल्डिंग किया जाता है किसी के माध्यम से, ना रेजिस्टेंस के माध्यम से। रेजिस्टेंस को हम इस्तेमाल करके क्या करेंगे, ना हीट क्रिएट करेंगे। हीट क्रिएट होने से इसमें क्या होता है, ना मेटल को एक प्लास्टिक स्टेज में लाया जाता है। मेटल को अपने प्लास्टिक स्टेज में लाकर उसको क्या होता है, ना एक प्रेशर अप्लाई किया जाता है। प्रेशर अप्लाई करने के बाद क्या होता है, जो मेटल दो पीस के जहीं भी जितना आपको मिलता है उसमें क्या होता है, वो मेटल होल्डिंग हो जाता है। इसको बोला जाता है रेजिस्टेंस होल्डिंग प्रोसेस। तो ये रेजिस्टेंस होल्डिंग के बारे में, ये रेजिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में पहले मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। रेजिस्टेंस होता है, इसका एक फॉर्मूला है, होता है क्या है, जो हीट का एक फॉर्मूला होता है, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। मतलब यहाँ आई का उपयोग होता है। उपयोग मतलब क्या है, आई मतलब ये होता है करंट, आर मतलब क्या है, रेजिस्टेंस, और टी होता है टाइम। जहां करंट एक सर्किट से फ्लो होगा और उसको रेजिस्टेंस दिया जाएगा और कुछ टाइम के हिसाब से वो हीट करेगा एक मेटल को, उसी के हिसाब में ड्रॉइंग के बारे में से आपको समझा देता हूँ। पहले मैं लाइन लेता हूँ, ये क्या है, एक कंडक्टर होता है, एक कंडक्टर है। कंडक्टर में क्या होता है, ना करंट फ्लो किया जाता है। जब ये करंट फ्लो होता है इसमें क्या होता है, ना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। हमको पहले से पता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट। तो करंट मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन जो ये है इसमें फ्लो होता है। जब इसमें कुछ ऑब्स्टेकल आ जाता है, कभी रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है, वो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता। तभी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से वो क्या होता है, टक्कर लेता है, मतलब हिसाब आता है। तभी हिसाब आने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो हीट हो जाता है, वो तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी वही क्या होता है, कन्वर्ट टू हीट एनर्जी। उसका एक एग्जाम्पल तौर पे आपको मैं बता सकता हूँ। अपने घर में जो हीटर यूज होता है उसमें क्या होता है, ना करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो जो तो ये एग्जाम्पल तौर पे मैं क्या कह रहा हूँ कि एक हीटर है। हीटर में क्या होता है, एक कॉइल रहता है। एक कॉइल क्या होता है, एक ऐसे से घुमा होता है, मतलब ट्विस्ट रहता है। इसमें जब करंट फ्लो होता है, यहाँ क्या होता है, जब घुमाव आता है, घुमाव आने से क्या होता है, उसमें रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री से फ्लो नहीं हो पाके वो एक सर्कुलर मोशन में जब मूव करता है तो क्या होता है, तो आपस में वही होता है, या क्या होता है, जो जो इलेक्ट्रॉन है आपस में टक्कर होते हैं, वो क्या होता है, जब टक्कर होने से वो तो घिसने से वो क्या होता है, हीट होता है। मैं और एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, जब आप दोनों हाथ को ऐसे घिसते हैं, थोड़ी तरफ घिसने से क्या होता है, उसमें हीट एनर्जी मतलब हीट आ जाता है। उसी हिसाब से जब इलेक्ट्रॉन आपस में घिसते हैं तो वो हीट हो जाते हैं। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखाया। और एक बोल रहा हूँ कि होल्डिंग सर्किट में ये क्या कैसा होता है, और एक फिगर मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये होता है एक सर्किट। सर्किट में क्या होता है, यहाँ ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहाँ करंट कहीं भी फ्लो हो सकता है, यहाँ से फ्लो होता है। जब ये जो हिस्सा होता है, ये हमारा क्या है, ये है हमका रेजिस्टेंस, ये है रेजिस्टेंस। मतलब होल्डिंग में क्या होता है, ये जो एक प्लेट, दो प्लेट होता है, ये एक प्लेट होता है कि ये एक प्लेट होता है, ये मतलब ये बेस मेटल होता है, ये दो बेस मेटल होता है। यहां से मतलब कंडक्टर से जब इलेक्ट्रिसिटी गुजरता है, ये जो ये रहता है, कोई ये कॉपर रहता है कि दूसरी किस्म का यहाँ मेटल रहता है, तो दूसरी किस्म का मेटल यहाँ आ जाता है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से यहाँ से फ्लो नहीं हो पाता है। तभी क्या होता है, यहाँ एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो जाता है,
जब करंट को जो जो करंट का जो ये है, करता है। करंट को जो उसको ब्लॉक होता है, मतलब ऑब्स्टेकल प्रोवाइड करता है, तभी क्या होता है, ये रेजिस्टेंस हो जाता है, यहाँ क्या होता है ना, हीट क्रिएट हो जाता है। जो भी हीट क्रिएट होता है, ये क्या होता है, मेटल को प्लास्टिक स्टेज में लाता है, प्लास्टिक स्टेज में लाता है। तो ये प्लास्टिक स्टेज में जब आ जाता है, उसको क्या होता है, एक फोर्स मैकेनिज्म होता है, नीचे से ऊपर से हम क्या करते हैं, उसको प्रेस कर देते हैं। जैसे कि आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक बोल रहा हूँ, दो रोटियां लीजिए, वो बिना पका हुआ, जब उसको हम प्रेस कर देते हैं, वो क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है। उसी है जो प्लास्टिक स्टेज में मेटल रहता है, उसको जब हम फ्रेश कर देते हैं, वो क्या होता है, आपस में जोड़ ले लेता है, और तब मतलब क्या है, वो अपने जोड़ जाता है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल, कैसे होता है उसी का हम समझा दिए। उसको फिर लेकर जाता हूँ हमें एक होल्डिंग सर्किट, ये इलेक्ट्रिक सर्किट के इलेक्ट्रिक सर्किट के माध्यम से आपको समझा समझा दिया। और एक बार दोहरा देता हूँ, करंट दोनों वायर में जाता है, यहाँ एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो प्लेट के हिसाब से जब भी ये करंट ऑब्स्टेकल बनता है, ये जो प्लेट रहता है इसमें बीच में रहता है, जब अच्छा से फ्लो नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन में जो घिसाव आ जाता है, इलेक्ट्रॉन वापस में जब घिसते हैं, तो क्या होता है, यहाँ हीट प्रोड्यूस हो जाता है। जो हीट प्रोड्यूस होता है, यहाँ क्या होता है ना, मेटल को प्लास्टिक स्टेज में लेकर आ जाता है। प्लास्टिक स्टेज मतलब मेटल पिघलता नहीं है कि सॉलिड नहीं रहता है, वो तो प्लास्टिक से नरम हो जाता है। तभी क्या होता है, हम दोनों तरफ से प्रेशर प्रोवाइड करते हैं। प्रेशर प्रोवाइड करने से क्या होता है, वो अपने आप एक जुड़ जाता दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। है। मैं अभी आपको मैं होल्डिंग सर्किट होल्डिंग सर्किट में रेजिस्टेंस कैसे काम करता है उसके बारे में बता रहा हूँ। ये हमारा है ट्रांसफार्मर के सिंबल, ये तो सर ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर हम ये लोग वेल्डिंग होल्डिंग ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का स्टेप सिंबल, डाउन ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन होता है। ट्रांसफार्मर। ये जो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ये एक आर मैकेनिज्म लगा रहता है, क्या रहता है सर, आर मैकेनिज्म मतलब ये जो इलेक्ट्रोड को पकड़ने के लिए आर आर मैकेनिज्म। मतलब जो पकड़ने के लिए होता है। नहीं सर, हमारा जो आर्म होता है, जैसे ये बस ट्रांसफार्मर का आर्म होता है जो आर मत इलेक्ट्रोड को पकड़ता है, इलेक्ट्रोड को एक पकड़ने को इलेक्ट्रोड को पकड़ता है, दूसरा बेस मेटल को पकड़ता है ना, बेस मेटल क्या को पकड़ेगा। ऐसा ना सर। हाँ, मैं पूरा अभी जो फिगर बना दूंगा हाँ 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 आपको पूरा फिगर पता चल बना दीजिए। जाएगा क्या होता है। थोड़ा अच्छा। जल्दबाजी में कर रहा हूँ तो ठीक नहीं हो रहा है। हाँ तो ये हाँ देखिए, एक हिस्सा हमको पता है, सभी मशीन का दो पोल रहता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव पोल रहता अच्छा। है। ये जो दो पोल है, इसको क्या होता है, जो एक आर मैकेनिज्म रहता है, हाँ मैकेनिज्म से ये क्या है, ये इलेक्ट्रोड होल्डर है, अच्छा इसको क्या है, ये है इलेक्ट्रोड, अच्छा ये भी इलेक्ट्रोड है, ये दो इलेक्ट्रोड है, दो इलेक्ट्रोड लगा रहे हैं, ये इलेक्ट्रोड दो इलेक्ट्रोड होल्डर है। उसमें क्या होता है, जब हम होल्डिंग करना चाहते हैं, इसका अंदर दो प्लेट को हम इंसर्ट करते हैं, मतलब घुसाते हैं, दो प्लेट को, दो प्लेट जो सीट होता है, सीट मेटल पतला सीट होता है, इसका अंदर हम घुसाते हैं। सर ये ऊपर में भी लगाते हैं नीचे में भी हाँ, लगाते लगाते हैं हैं दो सीट को। दो सीट। अभी ये देखो, ये एक होता है मूवेबल होता है, मतलब ये अप एंड डाउन करता है, अच्छा, वो वाला ऊपर वाला आर्म ऊपर नीचे जाता है, नीचे जाता है, ये रहता है फिक्स, फिक्स्ड फिक्स्ड आर्म। ये फिक्स डाल मतलब फिक्स रहता है, उसको कुछ हिला नहीं सकते। इसको जो होता है एक मैकेनिज्म ये के मूव कर सकता है, नीचे वाला मूव नहीं कर सकता है, नहीं और इसको जो है एक मैकेनिज्म के थ्रू, मतलब क्लर है, हाइड्रोलिक होता है, नहीं तो क्या होता है, मैनुअल होता है, फुट ऑपरेटेड भी होता पोर्ट है। ऑपरेट भी होता है। उसमें क्या होता है, हम इसको दबाते हैं। अच्छा। क्यों दबाते हैं, जब भी हम दबाएंगे, एक हम पहले से बोल चुके हैं, जब करंट इसमें फ्लो होगा, इसमें फ्लो होगा, यहाँ रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, हाँ, रेजिस्टेंस क्रिएट होने से मेटल प्लास्टिक स्टेज बनेगा। फिर मैं ऊपर और नीचे से प्रेशर भी जाएगा। हाँ, यहाँ जो प्लास्टिक स्टेज बन जाएगा, तभी तो हम प्रेशर देने से वो क्या होता है, वो जुड़ जाता है। हाँ यही है उसका मैकेनिज्म। अच्छा। मैं भी एक बोला हूँ, हाइड्रोलिक सिस्टम में रहता है, नहीं तो हमारे मैनुअल सिस्टम की फुट ऑपरेट रहता है। अच्छा।
ऑपरेट रहता है हाँ। तभी हम क्या आते हैं उसको जोड़ देते हैं। परीक्षा में जो जो क्वेश्चन वगैरह आता है ओल्डर में कि फिटर में आता है, आपका यहाँ क्वेश्चन आता है कि यहाँ जो ट्रांसफार्मर लगा रहता है यह ट्रांसफार्मर हाँ। जो सवाल कैसे आता है सर, सवाल आता है ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप है और स्टेप डाउन है, तो ये दोनों में से कौन सा होगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप डाउन मतलब क्या होता है, ये हाई करंट देगा। अच्छा अच्छा, वोल्टेज लो हो जाएगा, लो ये लो वोल्टेज मतलब जो ट्रांसफार्मर है इसका आउटपुट जो है स्टेप डाउन मतलब लो वोल्टेज है और हाई करंट, ये हाई करंट प्रोवाइड करेगा क्योंकि हमको हीट चाहिए हाँ। जब हाई हीट यहाँ से गुजरेगा, हाई करंट गुजरेगा तब हीट ज्यादा क्रिएट होगा। इसलिए आपको मैं पहले से ही आपको बोल दिया हूँ कि आपको जानकारी होना चाहिए कि यहाँ कितना हीट प्रोड्यूस होता है। तो मैं फॉर्मूला पहले से मैं आपको बोल चुका हूँ कि H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, मतलब आई इंटू आर इंटू टी। आप जब इसको आई जब बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रेजिस्टेंस वो भी बढ़ेगा, तभी यहाँ जब आप कितना हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसका कैलकुलेट करके भी मैं दूसरे क्लास में आपको बताऊंगा कैसे कितना हीट यहाँ आ जाता है, किसको मेटल को कितना हीट दे रहा है। अच्छा। वो ये फॉर्मूला सब इस्तेमाल करके इसको पता चल जाता है कि इतना या कितना हीट यहाँ आ जाता है। देखो ये जो सिस्टम है एक टाइम की तरफ से गुजरता है, ये जो है आई का मैं बोल दिया करंट, हाई करंट आता है हाँ? रेजिस्टेंस जो है या रेजिस्टेंस कितना है उसका हिसाब है। ये जो टाइम है, ये टाइम का मतलब क्या है, उसका एक टाइम रहता है। जब ज्यादा टाइम उसका हम प्रेस करके रखेंगे ये तो क्या होता है, वो जो मेटल है ना वो पिघल जाता है, मतलब छेद आता है, तभी वो वेल्डिंग अच्छा नहीं होता है। तो टाइम एक रहता है, वो टाइम क्या रहता है ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मतलब एक सेकेंड के छोटे छोटे भाग, फ्रैक्शन पर सेकेंड, एक सेकंड से भी बहुत कम टाइम लगता है उसको। जब हम प्रेस करते हैं उसको टाइम से जितना टाइम हमको चाहिए उसको हम देख देते हैं, जो वो अच्छा जो प्रैक्टिकल करते हैं उसको पता चल जाता है कितना हीट आ गया कि कितना सिस्टम उसको आ गया, पहुंचा आ गया, प्लास्टिक से जा गया, वो उसमें उतना टाइमर फिक्स कर देते हैं तभी वो अपने आप मतलब करंट डिस्कनेक्ट हो जाता है, तभी ये सर्किट अपने आप मतलब उतना टाइम होने के बाद सर्किट अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, ये होता है क्योंकि ज्यादा टाइम रहने से खराब हो जाएगा। जी जी जी। अभी देखो मैं एक टाइमर जो रहेगा एक टाइम के हिसाब से एक बोल रहा हूँ, टाइम जब होता है पहले जो मशीन है वो स्टील के लिए क्या है बहुत उपयुक्त होता है। अच्छा। जो पहले से कहता टाइमर लगा नहीं होता है हम जो मैनुअल करते थे ये तो स्टील को वेल्डिंग करने के लिए बहुत अच्छा रहता था। अच्छा। लेकिन आजकल जो एडवांस मशीन आ गया है उसमें क्या लग गया है ना, टाइमर लग गया है, टाइमर हाँ टाइमर लग गया है। जो टाइमर लग गया है तो क्या क्या करता है, जो सॉफ्ट मेटल जो है रहता है हाँ? एल्यूमिनियम रहता है, कॉपर रहता है और क्या रहता है जीआई सीट सब रहता है, उसको हम होल्डिंग करने के लिए टाइमर चाहिए होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब भी हम ज्यादा टाइम रखें तो ये मेल्ट हो जाता है, छेद हो जाता है। जब हम टाइमर लगा देंगे तो क्या होता है डिस्कनेक्ट कर देगा। ये भी मैनुअल भी हम जब प्रेस करेंगे मशीन में देखो उसमें वो क्या होता है, एक सिस्टम रहता है जो इतना टाइम है वो अपने डिस्चार्ज कर देगा, उसमें सिस्टम रहता है इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में उससे रहता है कट जाता है। ये होता है आपका, यही मैकेनिज्म हो गया। और मैं यहाँ और बोलना चाहता हूँ आपको ये कितना भाग है इसका, मैंने मतलब रेजिस्टेंस होल्डिंग मशीन कौन कौन सा सब है। अच्छा। एक है स्पोर्ट होल्डिंग, ये एक रेजिस्टेंस होल्डिंग का हिस्सा है। अच्छा अच्छा। सीम होल्डिंग, ये एक रेजिस्टेंस का होल्डिंग का हिस्सा है। उसके बाद रहता है प्रोजेक्शन होल्डिंग, प्रोजेक्शन होल्डिंग एक रेजिस्टेंस होल्डिंग का हिस्सा होता है। उसके बाद होता है फ्लैश डॉट बोट ऑफसेट होल्डिंग, इतना ही
ये आता, ये सब आपका ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग में आता है, ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग का हिस्सा है। अभी मैं ये बोल रहा हूँ इतना जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग के ये में आ रहा है, आपको क्वेश्चन आएगा कि स्पॉट वेल्डिंग कौन सा वेल्डिंग है, वो रेजिस्टेंस वेल्डिंग है। आपको जो सवाल आता है स्पॉट, व्हाट इज स्पॉट वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग इज डैश वेल्डिंग, आपको ये बोलना है कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग में आप ठीक मारेंगे तो सही आ जाएगा। सीम वेल्डिंग जो ग्रुप ऑफ डैश वेल्डिंग प्रोसेस, उसमें आप रेजिस्टेंस वेल्डिंग ही मांगे, क्लिक करने से हो जाएगा। फिटर और ओल्डर जो बच्चे हैं, बहुत से क्वेश्चन इसी रिलेटेड आता है, इसलिए बहुत से बच्चे का वॉइस था कि इस सब्जेक्ट को हमको समझाने के लिए, तो आपको मैं ये समझा रहा हूँ। इलेक्ट्रीशियन बच्चे बहुत अच्छा समझ पा जाएंगे क्योंकि मैं इलेक्ट्रीशियन रिलेटेड जो सब तो यही है हम ये गया। मैं यहाँ एक बोल रहा हूँ, ये जो जितना भी होल्डिंग आपको मिल गया, मतलब क्या स्पॉट मिल गया, सी मिल गया, प्रोजेक्शन होल्डिंग मिल गया, ये कौन सा मेटल के लिए आप उपयुक्त है, ये देखो ये जितना में होल्डिंग एक वन से लेकर थर्ड तक, मतलब स्पॉट होल्डिंग, सी होल्डिंग, प्रोजेक्शन होल्डिंग, ये होता है क्या है थीन सीट के लिए। जब थीन सीट आपको मिलता है होल्डिंग करने के लिए, तो क्या करना चाहिए, स्पॉट होल्डिंग, सी होल्डिंग, प्रोजेक्शन होल्डिंग से आप होल्डिंग करेंगे। ये देखो एग्जाम्पल आता है, ये कहाँ कहाँ ये होल्डिंग होता है, आपको रेलवे में ये होल्डिंग आता है, रेलवे कोच में, जो कार फैक्ट्री आता है, कार फैक्ट्री में ये सब होल्डिंग होता है। अब जो यूटेंसिल आता है, यूटेंसिल वगैरह जो घर में मिलता है, जो यूटेंसिल होता है उसमें क्या होता है, देखो तो मेरा वही स्पॉट होल्डिंग सब आ जाता है। यूटेंसिल जितना है इसमें सब थिन सीट जहां भी वो प्रेस करके बोलते हैं किया जाता है, इस थिन सीट को स्पॉट होल्डिंग, सीम होल्डिंग और प्रोसेसन होल्डिंग से किया जाता है। और है दो हिस्सा आया, और एक चार नंबर पांच नंबर में लिखा है फ्लैश बोट होल्डिंग और अपसेट बोट होल्डिंग। ये क्या होता है, थिक थिक सेक्शन, मतलब क्या है, जब आपको मिलता है कोई राउंड रोड मिलता है, राउंड रोड मिलता है कि ट्यूब मिलता है, वो क्या होता है क्रॉस सेक्शन में आपका क्या है स्क्वायर रहता है, नहीं तो रेक्टेंगल रहता है, नहीं तो क्या होता है ना कोई इरेगुलर रहता है, अपने कुछ आकार उसमें नहीं रहता है। अच्छा, इस मेटल को जब आप होल्डिंग करना चाहते हैं उसमें क्या होता है ना फ्लैश बोट और अपसेट बोट में बोट, ये बोट होल्डिंग में आप होल्डिंग करेंगे। अच्छा, ये भी क्या होता है रेलवे का जो सिस्टम है, रेलवे में ये होल्डिंग भी आ जाता है, कोई आपको बड़ा बड़ा बीम वगैरह रहता है उसमें होल्डिंग करने के लिए क्या होता है ना ये होल्डिंग आप चूज करते हैं। बट अपसेट वेल्डिंग, देखो होल्डिंग में एक हिस्सा रहता है, जो कुछ मेटल को आप होल्डिंग करते हैं तो मोटा हिस्सा को आप होल्डिंग करना होता है, तो उसको क्या कहते हैं हमको सिंगल भी मतलब मेटल को प्रिपेरेशन करना पड़ता है। अच्छा अच्छा, मतलब उसको तिरछा करना होता है उसको। अच्छा अच्छा, जब होता है तो अच्छा फ्यूजन के लिए उसको प्रिपेरेशन कहते हैं, एज प्रिपेरेशन कहा जाता है, एज प्रिपेरेशन, उसके एज प्रिपेरेशन बोला जाता है। लेकिन ये जो फ्लैश बोट और बोट होल्डिंग में विदाउट एज प्रिपेरेशन, उसमें एज प्रिपेरेशन करना नहीं पड़ता है। अच्छा अच्छा, विदाउट एज प्रिपेरेशन में होल्डिंग हो जाता है। और मैं ये एक जानकारी आपको दे रहा हूँ जी, ये फ्लैश बोट और अपसेट बोट कहाँ होता है, मैं दूसरे में जो वीडियो आएगा उसमें स्पॉट होल्डिंग, स्टीम होल्डिंग, प्रोजेक्शन होल्डिंग, फ्लैश बोट होल्डिंग और अपसेट बोट होल्डिंग में कहाँ इस्तेमाल होता है, कैसा होता है, ये होल्डिंग सब कैसे होता है, उसके बारे में मैं पूरा आपको जानकारी दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। ओके गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर बनता है, हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि बेल मतलब क्योंकि अगर कुछ नया वीडियो बनाते हैं तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। और कुछ डाउट लगे तो कमेंट में हमको बताइएगा, हम हमेशा कमेंट पढ़ते हैं, कुछ डाउट लगे तो यू कैन फील फ्री टू कमेंट अस। ओके गाइस, तो आखिरी में जय हिंद जय भारत, थैंक यू।